तो कैसे हो आप लोग, स्वागत है आपका इस वीडियो में। देश संकट में है। तो तुम्हारा भाई आ चुका है देश के संकट को दूर करने। और देश संकट में क्यों ना हो, जिस देश का युवा इंस्टाग्राम पे ऐसी बकचोदी कर रहा हो। ये आजकल के लोगों को हो क्या गया है, कल को इसकी शादी होगी और बच्चे होंगे, बच्चे कल को स्कूल जाएंगे, स्कूल में अगर कोई पूछेगा कि बेटा पापा क्या काम करते हैं तो बच्चा क्या बताएगा, कि पापा इंस्टाग्राम पे लहंगा चोली पहन के मुजरा करते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। भाई मैं सच बता रहा हूँ, इस देश के युवा गलत राह पे चल रहे हैं, पढ़ाई लिखाई से तो उनका कोई वास्ता ही नहीं है। जब उसके जीवन में कुछ बचा नहीं तो वहीं ससुरा कोई केले के पत्ते बांध के उड़ने की कोशिश कर रहा है। पंछी बनूं उड़ते फिरूं। यार मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसे लोग इस देश में अलाव कैसे हैं। इन सबको तो काला पानी की सजा हो जानी चाहिए। ऐसे कर्म कांड करके ये अपने शरीर पे पत्ते बांध कर अपने आप को वैज्ञानिक समझ रहे हैं, लेकिन तुमको कोई नहीं बताएगा, तुम एक नंबर के लचीले गधे लग रहे हो। ये सब देखकर मुन्ना भैया की याद आ गई। मुन्ना भैया एकदम सच बोलते थे। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, तुम्हारे गांव में चनूने काट रहे हैं। पढ़ाई लिखाई आजी घंटा, पढ़ाई लिखाई तो जब करें तब लड़कियां इनको करने दें। ये हवाई ऐसी चल रही है, जब भी लौंडे छत पर पढ़ने को बैठते हैं लड़कियां भाई साहब छत पर आकर रील्स बनाना शुरू कर देती हैं। और भाई साहब लड़कियां रील्स बनाएं और लौंडे बैठ के पढ़ें, ये तो पाप माना गया है। घर वाले भेजते हैं कि लौंडा हमारा पढ़ाई कर रहा है, लेकिन लौंडा क्या कर रहा है। बस हो गया देश का भला। बोला था ना कि देश में हवा गलत चल रही है। अब देखो जनता को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमको चाहिए। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। अरे नहीं नहीं, मैं तो सब्सक्राइब की बात कर रहा हूँ। अब हम भी जाते हैं अपना एडमिशन कराने, हम भी पढ़ेंगे। हम सोच रहे हैं पढ़ लिख के साला क्या करेंगे यार, बीटेक वाले इंजीनियर लोग साला चाय बेच रहे हैं। देश संकट में है। अरे आम ले लो, आम ले लो। देखा आदे चतानी सारे।